काचनू का टीला, जिसे लिटिल तिब्बत के नेम से भी जाना जाता है, कि एक लाइवली तिब्बतन कॉलोनी है जहां आपको नॉर्थ ईस्टर्न थीम्ड कैफेज और लोकल फूड स्टॉल से लेकर कोरियन ग्रोसरी आइटम की शॉप्स भी देखने को मिलेगी। मचनू का टीला मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट फूड वॉक, हियर यू कैन ऑल्सो शॉप फॉर क्लोथ्स, तिब्बतन डेकोर पीसेस, हैंडीक्राफ्ट, सुवीनियर्स, एक्सेसरीज, बैग्स एंड लॉट मोर। Welcome back to my channel. I am Manjali and today we are going to explore मजनू का टीला. So मजनू का टीला आने के लिए आपको एक मेट्रो लेना पड़ेगा और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा विधानसभा, और विधानसभा से ई रिक्शा वहाँ पे चलते हैं, तो पर पर्सन आपको 20 रुपीज कॉस्ट करेगा और वो आपको मेन एंट्रेंस में छोड़ देगा, जो एंट्रेंस जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया है। और आज हम ट्राई करने वाले यहाँ पर मजनू का टीला में, आप सभी ने सुना होगा कि काफी कुछ ऐसे आइटम्स है जो बहुत फेमस है और वो इसी मार्केट से फेमस हुए हैं, जैसे कि लाफिंग बबल टी और कुछ कोरियन स्नैक्स। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑनेस्ट रिव्यू और मैं सच में आपको बताने वाली हूँ कि जो चीजें इतनी फेमस है ये वर्थ द हाइप है या इसको ऐसे ही हमने उड़ा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन एक सेकंड, सो टुडे आई एम विद जतिन। हाय यार, सॉरी, नहीं बोलो बोलो यार, हाय इतना सही निकल गया था, अब नहीं निकलेगा वो वाला हाई, मैं रखूंगी वो वाला हाई रखूंगी। तो चलिए नहीं, शुरू से करो पूरा। जो तुम्हारी तो लाइन है, जो Do you understand the words that are coming out of my mouth? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देख के आ गए क्या क्या है यहाँ पे। लेट्स गो। Few moments later. जैसे हम मार्केट में एंटर करते हैं तो सबसे पहला स्पॉट हमें मिला है ये हिमालयन कॉफी एंड बबल टी। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी ये टारो बबल टी ट्राई नहीं करी है। मैं देख के बताती हूँ आपको कि इनका मेन्यू में क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं और इसका प्राइसिंग क्या है। कर दो। थैंक यू। तो हमारी बबल टी आ गई है, ये है थाई बबल टी और ये है पैशन फ्रूट बबल टी, को इसका रिव्यू बताते हैं। कैसी लगी? मेरी भी बढ़िया है। नाइस। सो एक्चुअल टेस्ट इसका बताती हूँ मैं, तो ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है और गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। पैशन फ्रूट मैंने लिया है और इसमें जो बबल है ना, बोबा जिसे बोलते हैं, वो थोड़ी च्यूई टेक्सचर में है। मैं पहले बहुत डर रही थी, पता नहीं इसका कैसा टेस्ट होगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बट इट इज गुड। थाई मसाज, तो मैं आपको यही कहूंगा कि थाई मसाज और थाई बबल टी दोनों लेनी चाहिए। चल झूठा। इट्स अ थम्स अप फ्रॉम अस और हम इसको रेट करने वाले हैं आउट ऑफ 5, 4.5। व्हाट डू यू से? 4। चलिए ट्राई करते हैं। ये लेस के चिप्स जैसा ही है, आलू के चिप्स हो। नो गॉड प्लीज नो नो। सो बैड बनता है। इसका टेस्ट काफी अच्छा है और इसको मैं आई थिंक इसको पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। इसको मैं दूंगी 5 आउट ऑफ
फाइव स्टार, चलो ठीक है, फाइव आउट ऑफ फाइव, ठीक है, ओके। अब इसको हम जल्दी से फिनिश करते हैं और हम आपको आगे दिखाते हैं कि और क्या खाने के आइटम्स आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मजनू का टीला मार्केट में फूड आइटम्स के अलावा यहाँ पर एक स्ट्रीट मार्केट भी है, मतलब यहाँ पर आप कपड़े भी ले सकते हैं अलग अलग टाइप के, ऐसे फंकी क्लोथ, ओवर साइज ट्राउज़र और ये सब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन से कपड़ों की है। अब बाकी जहाँ तक मैंने सुना है कि इतने अफोर्डेबल भी नहीं होते हैं, बट यू गाइस कैन ट्राई। और यहाँ पर एक कोरियन स्टोर भी है कोजा करके, जो मैं अभी अंदर जाने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर हमें क्या क्या मिल सकता है। लेट्स गो। मजनू का टेला में हमने ट्राई करा लाफिंग। लाफिंग इज़ अ तिब्बतन स्नैक जो इस मार्केट में काफ़ी फेमस है। सो इट्स बेसिकली मेड ऑफ मूंग बीन स्टार्च एंड मैदा। इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैट कोल्ड नूडल एंड इस पे ड्रेसिंग करते हैं विद सॉल्ट, अजीनोमोटो, स्पाइसी चिली सॉस, विनेगर, एंड इट इज़ स्टफ विद वाई वाई नूडल्स। आप सोयाबीन वाला करवा सकते हो एंड चिकन का भी होता होगा ऑप्शन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और ये स्नैक दो वेरिएशन में आता है, ड्राई और सूपी। सो मैंने यहाँ पर लिया था ड्राई वाई वाई नूडल स्पाइसी वाला, बट देखो ये हेल्दी तो नहीं है, बट यू कैन ट्राई इट वंस, एक बार तो ट्राई करना चाहिए जस्ट टू नो कि कैसा टेस्ट करता है। बट या आई विल नॉट रिकमेंड इट टू यू नो रेगुलरली, इससे बेटर है गोलगप्पे खाओ और चाट पापड़ी खाओ, वो मच बेटर है, बट या एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो हम लाफिंग ट्राई करने वाले हैं, मैंने लिया है वाई वाई लाफिंग, सी कैसा होता है। कैसा रिव्यू है? वेट वेट कर रही है पब्लिक। वाईफाई जहाँ से वाईफाई निकल, 5G है या 4G? टेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम खा रहे हो तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट मे भी एक दो बार खाओगे तो ठीक लगेगा। सो मेरे लिए ये ओके ओके है, सो आई विल गिव 4 out of 3। 5 out of देते हैं। ओ अच्छा, कुत्तों ने डरा है। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं? यार मौत से इसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। इसको मैं दूंगी 5 out of 3। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? तो जैसे कि मैंने अभी दिखाया है आपको कि हम क्या क्या खाते हुए आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स आपको मिलेंगी। बबल टी की तो हर कोने कोने में स्टॉल्स मिलने वाली हैं और लाफिंग की बहुत सारी जगह पे मिलेंगी। तो मैंने जहाँ से ट्राई किया था वो काफ़ी फेमस है,
और यहाँ पर मोमोज के भी बहुत स्टॉल दिखेंगे मेरे सामने ही, एक अंकल वैंग्स के मोमोज। तो आपने ये मोमोज के बारे में बहुत सुना होगा, बट हमने इतना ज़्यादा खा लिया है ना तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बट डेजर्ट के लिए हमेशा एक जगह रहती है। और अब हम ट्राई करने वाले हैं आमास कैफ़े, जिसका नाम सबने सुना होगा। यहाँ मैं 3 बार आई हूँ और तीनों बार मेरे को यहाँ पर वो सिटिंग ही नहीं मिली है, क्योंकि वो हमेशा बुक्ड रहता है। बट आज का मेरा गोल है कि आज मुझे कैसे भी करके आप लोगों को दिखाना है कि यहाँ पर कैसी डेजर्ट्स होती हैं। और जैसा मैंने दिखाया कि यहाँ से मैंने जेली ली थी, तो इसका टेस्ट जेली जैसा ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। तो ओके ओके, अभी हम चलते हैं आमा कैफे, लेट्स गो। कॉफी तो अच्छी है, अब चीज केक ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा है, तेरी चीज केक बहुत ही सही लग रहा है मेरे को। और जो फ्लेवर आ रहा है ना ब्लूबेरी का, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ये इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ा फॉर अ चेंज, ये मेरे को पड़ गया है अंडर 200 है। ये दोनों चीज़ें ना, कैफे इज डेफिनेटली वर्थ द हाइप, यहाँ आप आ सकते हैं। एक्सप्लोर कर लिया है और यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने के लिए तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। ये कूल हैंगआउट एक प्लेस है दिल्ली के कोने में, और यहाँ पर आपको मतलब अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो छोटे मोटे ऐसे शॉप्स भी थे कि जहाँ से आप शॉप कर सकते हो। स्ट्रीट मार्केट भी है, खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, कोरियन फूड के आइटम्स थे। और जो जो मैंने ट्राई करा, लकीली मेरे को वो सब चीज़ें अच्छी लगी, मतलब कुछ इतना बेकार नहीं था। बस वो लाफिंग ऐसा था, क्योंकि मैंने वो जब भी कोई तुम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बट नॉट बैड, इट वॉज गुड एक्चुअली। सो इसी तरह मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, एंड तो इसी तरह आप हम ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। एंड आई होप यू ऑल इन्जॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हो, सो दैट मुझे आइडिया होगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है देखने के लिए। सो आई सी यू गाइज अगेन, बाय।